हेलो किड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद आरएस एकेडमी। आज की क्लास में हम आपके लिए लाए हैं यूकेजी क्लास की मैथ्स वर्कशीट। आज हम मैथ की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। मैथ में बच्चों को सबसे पहले तीन कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, हैवी, लाइट, स्मॉल, बिग, मोर एंड लेस। ये कंसेप्ट हम बच्चों को घर पे भी बहुत आसानी से चीज़ों के द्वारा समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम वर्कशीट से हम समझेंगे राइट एच फॉर हैवीएस्ट एंड एल फॉर लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। जो हैवी हो वहाँ पर हम एच लिखेंगे, जो लाइट हो वो वहाँ पर हम एल लिखेंगे। एच बाल्टी हमारी हैवी है और फ्लावर हमारा लाइट है, तो वहाँ हमने एल लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुट ए टिक फॉर द मोर एंड ए क्रॉस फॉर लेस। जहाँ पर मोर है वहाँ पर हमें टिक का सही टिक करना है, और जहाँ पर कम है वहाँ हमें क्रॉस करना है। इसी तरह से हमारी कैंडल कम थी और एप्पल हमारे ज़्यादा थे, तो कैंडल पे हमने क्रॉस का साइन किया है, एप्पल्स के पास हमने राइट का साइन दिया है। इसी तरह से हम नीचे देखते हैं पिक्चर्स को, तो पिक्चर्स ट्री हमारे ज़्यादा हैं, तो यहाँ हम सही का टिक करेंगे, और मैंगो दो हैं तो इसलिए वहाँ पर हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह से व्हाट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर्स। यूकेजी क्लास में व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट है, उसको बच्चों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि काउंटिंग आना चाहिए। 7 के बाद क्या आता है, 8, और 8 के बाद आता है 9। इसी तरह से 4 के बाद 5 एंड 2 के बाद 3 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। यहाँ हमने दो कुछ नंबर्स दिए हैं, उनके बीच में क्या आएगा वो हमको लिखना है। इस टेबल को बना दिया हमने, 2 के बाद क्या आएगा, 3, एंड 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8, 5 एंड 7 के बीच में 6, 1 एंड 3 के बीच बिटवीन में 2 आता है, 4 एंड 6 के बिटवीन में 5, 8 एंड 10 के बिटवीन में 9, इसी तरह से 17 एंड 19 के बीच में 18 आता है। इस तरह से हमारा बिटवीन एंड आफ्टर का कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को बच्चों को समझना बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए बच्चों को हमें बहुत ही पेशेंस से सिखाना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे कम पहले सबसे छोटा अंक लेना है, वो तो पहले में 11 हमारा सबसे छोटा है, इस तरह सेकेंड में 16, 15, 16 एंड 18, इस तरह से थर्ड लाइन में हमारा 12 है, 12 लिखेंगे हम पहले, इस तरह से 15, फिर 16। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, इसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, इस तरह से हम करते हैं। इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लेते हैं, इसके बाद उससे छोटी और उससे छोटी। इस तरह से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ही कॉन्सेप्ट यूकेजी क्लास में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिशन। एडिशन वर्टिकल द्वारा भी होता है, हॉरिजेंटल द्वारा भी बच्चों को सिखाते हैं। लाइंस के द्वारा पहले सिखाते हैं, यहाँ हमने ड्रॉ लाइंस के द्वारा नहीं, सिंपल तरीके से एडिशन करना सिखाया है। 6 + 2 = 8, 3 + 5 = 8, 4 + 2 = 6, इसी तरह से 5 + 2 = 7। इस तरह से हम अपने ऐड कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐड बच्चों को ड्रॉ लाइन द्वारा बहुत ही अच्छे तरह से समझाया जा सकता है। राइट द डिफरेंस, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हैं, माइनस करना है आपका, सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, तो सब्ट्रैक्शन मींस घटाना, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचता है, 2। यहाँ पे 7 में से 3 जा रहा है तो कितना बचता है, 4।
यहाँ 4 कप्स हैं, 4 कप्स में से 2 कप्स माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 2। यहाँ 3 मैंगोस हैं, 1 मैंगो माइनस होता है तो कितना होता है? 2। इस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्शन का दोनों का कॉन्सेप्ट बच्चों को वर्कशीट के द्वारा हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट सिंबल। करेक्ट सिंबल में हमें बच्चों को इस तरह भी समझा सकते हैं, एक के बाद क्या आता है? 2, तो 2 हमारा सबसे बड़ा है। इस तरह से ये इसमें एलिगेटर की स्टोरी भी सुना करके हम इसको समझा सकते हैं। इसी तरह से हम ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत अच्छे से समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर्स। काउंट करेंगे कितना है, फिर राइट करेंगे। यहाँ 5 लीफ्स हैं तो हमने लिखा 5। यहाँ 5 ट्रायंगल्स हैं तो 5 ट्रायंगल लिखेंगे यहाँ। नाउ काउंट द बॉल्स, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8। 8 बॉल्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 8। 1, 2, 3, 4। 4 फ्लावर्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट हाउ मैनी टेंस एंड हाउ मैनी वंस। यहाँ हम बच्चों को टेंस एंड वंस का भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। टेंस और वंस को सिखाने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से सिखाना है, क्योंकि इसमें 11 है, 11 में टेंस ही 1 है, 1 टेंस है और 1 वंस है। 25 में 2 टेंस हैं एंड 5 वंस हैं। 4 टेंस हैं इधर, 7 वंस। 32 में 3 टेंस हैं और 2 वंस हैं। इस तरह से हमारी मैथ की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।